Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk. Deva English spoken class. Friends, past and definite tense is finished. Or now, today I am going to teach you about the past continuous tense. Continuous tense is very easy. I have already taught you present continuous tense. If you have understood very well the present continuous tense, there will not be any difficulty to understand about the past continuous tense, because it's very easy. What is the differences between past continuous tense and present continuous tense? Only the differences of helping verb. Okay, friends, let's start the class of the day. Hey Yuvraj, what were you doing at the school yesterday? Did you see me? Where were you going? I was going to the market. For what? Why are you going to the market? I was going to the market to buy vegetable. And what were you doing there? I was waiting for my brother. Bye bye. See you tomorrow. Friends, past continuous tense. What is the past continuous tense? Means, वो जा रहा था. कोई भी काम past में continuously करने की क्रिया को हम past continuous tense कहते हैं. जैसे मैं खा रहा था, मतलब खाने की क्रिया जारी थी उस टाइम में. हम पास्ट में किसी चीज़ की बात करते हैं, किसी क्रिया के बारे में, और वो क्रिया उस पास्ट में जारी थी, तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो कम सीखते हैं. सबसे पहले मेकिंग फार्मूला. मेकिंग फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, किस क्या आएगा इसमें? वॉज आएगा और वर आएगा. वॉज वर प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स. ठीक है फ्रेंड, एक सेंटेंस लेते हैं. वह खेल रहा था, तो ही, यू नो वेरी वेल दैट कि ही के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं अगर पास्ट में हो तो? वॉज. ही वॉज प्ले है, प्ले इज द वर्ब, और इसमें आई एन जी लगाएंगे हम, तो प्लेइंग. वे लोग नाच रहे थे. वे लोग नाच रहे थे, तो दे. अभी दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो बेसिक में मैंने बता दिया है. तो दे वर डांसिंग. इसी तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे वाज और वर लगाकर. इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझना कोई भी मुश्किल काम नहीं है. बहुत ही इजी टेंस है. वाज वर लगाना है और वर्ब में आई एन जी लगाना है. सिंपल है. तभी हम इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस को देखेंगे. तो हम एक नेगेटिव लिखते हैं, लेते हैं. वह नहीं जा रहा था. वह नहीं जा रहा था, तो ही वॉज नॉट गोइंग. मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था. नहीं खेल रहा था. I was not playing cricket. मेरी माँ खाना नहीं पका रही थी. My mother was not cooking. यहां पर हम cooking की जगह पर preparing food भी लिख सकते हैं,
अगर हम प्रिपेयरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे फूड लिखना ज़रूरी है, अगर हम कुक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे फूड नहीं लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अभी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस लेंगे। इंटरोगेटिव किस तरह से बनाते हैं? इंटरोगेटिव मीन्स क्या, क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, क्या वह गा रहा था? तो वॉज ही सिंगिंग, क्या वे लोग नहीं खेल रहे थे? क्या वे लोग नहीं खेल रहे थे? तो वर दे नॉट प्लेइंग, वर दे नॉट, हम नॉट को अगर इधर लाते हैं शॉर्ट फॉर्म लिखना अगर चाहेंगे तो वरंट हो जाएगा, वरंट दे प्लेइंग। ठीक है फ्रेंड्स, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? तो वर यू वेटिंग फॉर मी। यहाँ पे वेटिंग के बाद हम किसी के लिए अगर इंतजार करते हैं तो वेटिंग के बाद फॉर का लगाना जरूरी होता है। जैसे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, यू आर वेटिंग फॉर मी, वे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, दे वर वेटिंग फॉर यू, फॉर लगाना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अभी हम क्वेश्चन नोट्स के सेंटेंसेस को लेते हैं। वह क्यों रो रहा था? वह क्यों रो रहा था? तो क्यों, वाई वॉज ही क्राइंग। वे लोग कहाँ खेल रहे थे? तो कहाँ, वेयर वर दे प्लेइंग, कौन रो रहा था? कौन रो रहा था? तो हु वॉज क्राइंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन वर्ड्स का सेंटेंस। बहुत ही इजी टेंस है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, दोनों के दोनों बहुत ही इजी है। जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी इस्तेमाल करते हैं इसका। आई एम गोइंग, आई एम मीटिंग, आई एम प्लेइंग, ING लगाना है बस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।